इंडियन ओशन डाइपोल। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडियन ओशन डाइपोल यानी हिंद महासागर के द्विध्रुवीय में कैसे पड़ता है, इसकी मुख्य वजहों को वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। वही कहते हैं कि इस मिस्ट्री के सुलझने से इस क्षेत्र में होने वाले डिजास्टर्स का सटीक पूर्वानुमान भी लगाया जा सकेगा। इस शोध को अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है और वो कहते हैं कि हमने इंडियन ओशन डायपोल पर एक बेहतर मॉडल विकसित किया है जिससे कि इस पूरे क्षेत्र के डिजास्टर्स की अर्ली वार्निंग करने में हम पूरी तरह सक्षम होंगे। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार मौसम निर्धारित करने वाली एक पूरक परिघटना की वजह से हिंद महासागर के एक तरफ समुद्र में पानी का तापमान ठंडा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये पानी गर्म हो जाता है। इस तापमान में जितना अंतर बढ़ता है पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, उतनी ही मौसम परिस्थितियां बदलती हैं और डिजास्टर्स भी अपने चरम पर आते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से लेकर पूर्वी अफ्रीका में बाढ़ आने के पीछे एक अहम भूमिका हिंद महासागर के द्विध्रुवीय यानी इंडियन ओशन डायपोल का होता है, जिसकी मूल वजह तापमान के बढ़ने और घटने की होती है। इस पर अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने बताया है कि इसकी मदद से दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आने वाली डिजास्टर्स, बाढ़, सूखे जैसी आपदाओं का हम सटीक पूर्वानुमान लगा सकेंगे। वहीं हिंद महासागर में इतने बड़े बदलाव को वैज्ञानिक IOD यानी इंडियन ओशन डायपोल के मिनी अल नीनो इफेक्ट की तरह से भी देखते हैं। वहीं इसे इंडियन नीनो भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इस रिसर्च की, तो रिसर्चर्स ने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के विभिन्न सेटों को पुनर्निर्मित किया है। वहीं पिछले 10,000 ईयर्स के क्लाइमेट सिनेरियोस का एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशन विकसित किया है। वहीं इस रिसर्च को वैज्ञानिकों ने साइंस एडवांस जर्नल में भी प्रकाशित किया है। इस रिसर्च के मुताबिक उत्तर अमेरिका पर छाए विशाल ग्लेशियर्स करीब 15,000 से 18,000 साल पहले एक बड़े पैमाने पर पिघले थे। वहीं इस सिमुलेशन से इंडियन ओशन के दोनों छोरों के तापमान में जो अंतर आता है उसको भी इस क्लाइमेट मॉडल ने बखूबी निर्धारित और दिखाया है। इसी पर ब्राउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स रसील कहते हैं कि अध्ययन में यह समझने का एक विशेष बेस यानी बेसिस आधार मिला है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में बारिश के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव समय में क्यों नहीं आए, और अगर आए थे तो इसका पता इस सिमुलेशन के माध्यम से भी लगाया जा सकेगा। वही हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के पूर्वी पश्चिमी ध्रुवों की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में भी इस सिमुलेशन से मदद मिल सकती है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले डिजास्टर्स, जिसमें फ्लड और ड्राउट जैसी डिजास्टर्स का हम पूर्वानुमान भी लगा सकेंगे। वहीं इस मॉडल के जरिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही पुरानी मिस्ट्री को भी सुलझा लिया है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक बताते हैं कि 17,000 साल पहले विक्टोरिया झील कैसे पूरी तरह सूख गई थी, इस मिस्ट्री को भी समझने में इस सिमुलेशन से हमें मदद मिली है। इस पर वैज्ञानिक बताते हैं कि पूर्व पश्चिम ध्रुव में, जहां पश्चिम में केन्या, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश हैं, वहीं पूर्व में इंडोनेशिया इसकी तुलना में अधिक ठंडा रहता है। वही शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि जब भी गर्मी के दिनों में बारिश होती है तो इंडोनेशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश तेज हो जाती है, जबकि पानी का तापमान कम होने पर पूर्वी अफ्रीका के देशों में ड्राउट यानी सूखे जैसी स्थिति भी पैदा होती है। वहीं इस रिसर्च पेपर में इस डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हुए रिसर्चर्स बताते हैं कि इस तरह की स्थिति करीब 17,000 साल पहले अपने चरम पर थी, जिसके कारण विक्टोरिया झील पूरी तरह से सूख गई थी। इस रिसर्च के मुख्य पॉइंट यह है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडियन ओशन डायपोल में कैसा होता है, इसकी बड़ी वजह और इसके कारण कैसे डिजास्टर्स की अर्ली वार्निंग हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.nworld पर संपर्क करें। नमस्कार।